इस बार बिहार दरोगा का फॉर्म भरने के लिए फिर से रिकॉर्ड टूटने वाला है। जिस प्रकार से बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए टूटा, उसी प्रकार से बिहार सब इंस्पेक्टर के लिए भी टूटेगा। और जो न्यू फॉर्म आ रहा है उसके लिए आप किस तरह से प्रिपरेशन कर सकते हैं, क्या क्या चीज आपसे मांगा जाएगा, आप एक नए छात्र हैं आपको पता होना चाहिए। और सबसे ज्यादा नए लोग इसको अप्लाई करेंगे, जो अभी ग्रेजुएशन किए हैं या कर रहे हैं वो लोग बहुत ज्यादा इसको अप्लाई करेंगे। उसके बारे में जानेंगे कि कौन कौन इसको अप्लाई कर सकते हैं और कौन नहीं कर। आइए इसके बारे में लोग जानना शुरू करते हैं कि क्या है बिहार दरोगा का न्यू वैकेंसी जो 2023 में आप लोग को देखा जा रहा है। इसके लिए जो आपके पास व्यवस्था किया गया है 1275 पोस्ट, आपको हम पहले ही बताए थे कि लगभग 1300 पोस्ट पे बहाली आने वाला है, सूचना अंदरूनी मिलते रहता है। अब जाकर के कंफर्म हो पा रहा है कि अक्टूबर में आपका बहाली आने वाला है, यानी कि अक्टूबर फर्स्ट या लास्ट ये नहीं, लेकिन अक्टूबर में आपका नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा कि बिहार सब इंस्पेक्टर का बहाली कितने पोस्ट पर और क्या क्या क्राइटेरिया के साथ हम निकाल रहे हैं। तो वो सब तो हम लोग पहले से जानते हैं, उसके लिए कोई बात ही नहीं है। बस तैयारी का एक दिशा तब मिलता है जब कंफर्म हो जाता है कि नौकरी आ रहा है, मतलब वैकेंसी आ रहा है, तब जाकर के कोई तैयारी करना शुरू करता है। घर को छोड़ता है कि नहीं, अब जा रहे हैं अंतिम 3 महीना 4 महीना तैयारी करने के लिए। उससे अच्छा है कि अभी से आप सेल्फ स्टडी करना शुरू कर दीजिए। वो दिशा निर्देश आपको हम अभी बताते हैं। टोटल पोस्ट 1275 होगा, जिसमें सार्जेंट का भी पोस्ट होगा और सब इंस्पेक्टर का भी पोस्ट होगा। दिक्कत नहीं है, जो पहले बहाली जैसे आता था वैसे ही आ रहा है, ठीक है। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट बात करते हैं, योग्यता यानी क्वालिफिकेशन आपसे क्या मांगा जाएगा। इंटर पास है, 10th पास है, ग्रेजुएशन पास है, लेकिन क्या कैसे। अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं इंटर के बाद, ठीक है, ग्रेजुएशन आप कर लिए हैं, मतलब एक अच्छा सा डिग्री आपके पास है मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से, जो कि बीए का, बैचलर ऑफ आर्ट्स का, बैचलर ऑफ कॉमर्स का, बैचलर ऑफ साइंस का, है ना, ये अगर डिग्री आपके पास है, होता है ना, बहुत सारे लोग आर्ट्स से करते हैं, साइंस से करते हैं, उसके बाद कॉमर्स से करते हैं। तो अगर आपके पास ये कोई भी डिग्री है, मतलब स्नातक का डिग्री अगर आपके पास है, चाहे वो बीटेक ही क्यों ना हो, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप पूछें कि फर्स्ट डिवीजन, थर्ड डिवीजन, सेकंड डिवीजन पास है फेल है, तो पास बस होना चाहिए। सबसे न्यूनतम मार्क्स भी अगर आपका है, बस आप पास हैं, तो आप दरोगा के लायक हैं। और अगर एज मैच कर रहा है तो आप भर सकते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। इससे आपका किसी भी तरह से कोई भी नंबर या मेरिट पे कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है आपके योग्यता से, ठीक है। ये बस आपका फॉर्म भरने में काम आता है। उसके बाद देखेंगे यहां पे फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन आप पास है तो इसको भर सकते हैं। लेकिन एक डाउट जो लोगों में बनता है कि हम अपेयरिंग में है, हम अभी पार्ट टू में है, पार्ट थर्ड में है, क्या हम भर सकते हैं। तो अपेयरिंग वाले इसको नहीं भर सकते हैं, जिनका लास्ट रिजल्ट यानी फाइनल रिजल्ट बीए का, बीएससी का, बीकॉम का आ चुका है, कब, फॉर्म के लास्ट डेट से पहले। जैसे कि फॉर्म निकल गया अभी और 1 महीना तक उसका डेट है, उस 1 महीने के अंदर में भी आपका कम से कम लास्ट रिजल्ट आपका आ गया, पार्ट थर्ड का रिजल्ट आपका आ गया है, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर रिजल्ट नहीं आया तो नहीं भर सकते हैं। पार्ट वन में है तो नहीं भर पाएंगे, पार्ट टू में है तो नहीं भर पाएंगे, पार्ट थर्ड में भी है तो नहीं भर पाएंगे, अगर रिजल्ट फॉर्म के लास्ट डेट से पहले नहीं आया है। तो ये चीज को थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। अगर रिजल्ट आ गया है तो आप आराम से भर सकते हैं, 20 के अगर आप हो गए तो आराम से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, कहीं भी किसी तरह का दिक्कत आपका नहीं। बात करते हैं कि एज क्या मांगा जाएगा, तो एज भी जो पहले था ना 20 से 37 किसके लिए, तो जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, मतलब न्यूनतम एज जो रखा जाएगा 20 वर्ष आपका पूरा हो जाना चाहिए और आप स्नातक कर लिए होना चाहिए, ठीक है। इंटर पास पे नहीं है, ग्रेजुएशन पास पे बहाली निकलता है बिहार दरोगा का। बात करते हैं, अगर आप बीसी और ईबीसी, ओबीसी का दो कैटेगरी जो बिहार में है, उसमें 20 से 40 यानी 3 साल का उसको छूट दिया जाता है, तो 20 से 40 के अंदर में आपका अगर एज है, यानी 20 आप पूरा कर लिए हैं या आप 40 के भी नहीं हुए हैं, तो आप इसको भर सकते हैं। वो अपना एज से आप लोग मिला लीजिएगा, जब भी आपका जन्म है और अभी तक के डेट से आप मिलाइए कि आपका साल कितना हो रहा है, वो आपको पता चल जाएगा। नहीं पता चलता है तो सर्च करिए कि डेट कैसे निकाला जाता है, मेरा जन्म कितना, मेरा साल हो चुका है, वो सब पता चलेगा। थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा आपको। एससी एसटी अगर आप हैं तो 20 से लेकर 42 यानी 5 साल का जो छूट मिलता है वो यहां पे आपको मिल जाएगा, तो इतने वर्ष में आप इसको भर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग अपना एज तो मैच कर लिए कि चलो इस एज में हम आ गए, हम दरोगा का फॉर्म भर सकते हैं। बहुत सारे पास ध्यान दीजिए, एज काउंट इसमें देखा जाएगा 1 जनवरी 2023 से आप लोग का एज काउंट लिया जाने का मैक्सिमम संभावना है। ज्यादा क्लियरिटी तब मिलता है जब नोटिफिकेशन आ जाता है, ठीक है। उसके बाद ये आप अभी मन में रख करके चलिए कि 1 जनवरी 2023 को आप लोग का एज काउंट किया जाएगा और वैकेंसी जो है अक्टूबर में आने का पूरा संभावना बन रहा है। कम से कम नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल होगा वो तो आ जाएगा, लेकिन हमें यह समझ में नहीं आता कि वैकेंसी अक्टूबर में आए, नवंबर में आ जाए, कल आ जाए, आपका तैयारी पे इससे क्या फर्क पड़ता है, ये बताइए। आप अगर जान रहे हैं कि वैकेंसी आने वाला, तो पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, तब आपका रिजल्ट होगा। इसमें फॉर्म बहुत सारा गिरेगा, 10 लाख 12 लाख गिरेगा, लेकिन किसका रिजल्ट होगा, जो पहले से पढ़ रहा दरोगा के लिए, दो बार छट चुका है यानी कि रिजेक्ट हो चुका है, पीटी निकाला था, मेंस निकाला था, नहीं हो पाया था, उसका ज्यादा होने का संभावना है। आप लोग सिर्फ वैकेंसी ही देखते रहिए, बाकी रिजल्ट कोई और ले जाता है, नहीं ऐसा नहीं करना है। आज से अपना रूटीन को बदलिए, बताते हैं कैसे। और बिहार के अगर आप किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, मतलब बिहार का कोई भी जॉब आपके पास है, तो आप इसको, आपका जो एज मांगा जाएगा वो 20 से लेकर के 42 तक, मतलब 5 साल छूट आप लोग को ही मिल जाता है। अगर आप सर्विस में है बिहार का कोई भी, तो आप इस फॉर्म को भरना चाहते हैं बिहार दरोगा का, तो आपको भी 5 साल का छूट मिल जाता है अगर आप बिहार के किसी भी पद पर कार्यरत हैं तो, ठीक है, ये समझ गए। तो यहां से लेकर के यहां तक में कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, आपको ये समझ में आ गया होगा कि हम तैयार हैं या नहीं,
जैसे ही वैकेंसी आएगा हम भर पाएंगे या नहीं, ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया। अब आइए और भी अच्छे से महत्वपूर्ण बिंदु पे बात करते हैं जो कि आप लोग को समझना जरूरी है। तो चयन प्रक्रिया इसका क्या हो सकता है, तो चयन प्रक्रिया में देखेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस में इसका सबसे पहले रिटर्न टेस्ट होता है, फॉर्म भरिएगा ना, उसके बाद आपका जो एडमिट कार्ड आएगा वो रिटर्न टेस्ट के लिए आएगा, मतलब लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा दो रूप में लिया जाता है इसमें, दो बार, मतलब एक बार पीटी के रूप में, एक बार मेंस के रूप में। तो पीटी में जो एग्जाम होगा, लगभग सिलेबस आपको समझाते हैं कैसा होगा, तो यहाँ पे क्वेश्चन आपको 100 मिलेगा, 200 मार्क्स में, यानी प्रत्येक क्वेश्चन दो नंबर का होगा, दो घंटा का समय आपको मिलेगा, निगेटिव मार्किंग सब में आपको पीटी ओएमएन 1/10 का मिलेगा, मतलब 10 क्वेश्चन गलती करिएगा तो एक क्वेश्चन का मार्क्स आपसे काटा जाएगा, यानी दो नंबर काटा जाएगा। तो निगेटिव अच्छा, मतलब आप ले सकते हैं निगेटिव, ऐसा नहीं बहुत ज्यादा हार्ड निगेटिव नहीं दिया गया, ठीक है। इसमें जीके जीएस से क्वेश्चन आएगा। पीटी का अगर हम बात करते हैं, पीटी सिलेबस का, तो क्या फॉर्म भरेंगे, सबसे पहले फॉर्म को समझेंगे, फिर पीटी के सिलेबस को समझेंगे, तो उसका मेंस में पहुंचेंगे, मेंस में बात करेंगे हम अच्छे से बात करेंगे। जीके जीएस से 70 से 75 क्वेश्चन जीके और जीएस, यानी हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से 70 से 75 क्वेश्चन पूछा जाएगा। मैथ से आपका 5 से 7 क्वेश्चन आएगा। करंट अफेयर्स से 20 से 22 क्वेश्चन। करंट अफेयर्स का महत्व दरोगा के एग्जाम में बढ़ते जा रहा है, चाहे वो आपका सब इंस्पेक्टर दरोगा हो या एक्साइज दरोगा, कोई भी दरोगा हो, बिहार के एग्जाम में थोड़ा सा करंट अफेयर्स दे रहा है। और इसी के लिए अभी से आप अगर करना चाहते हैं ना, अगर आप चाहते हैं कि अभी से हम आपको क्या बोलते हैं, फॉर्म आने के बाद तो सब पढ़ेगा, लेकिन अभी से जो पढ़ेगा, लेकिन क्या पढ़ेगा, वो पढ़ेगा प्रीवियस ईयर। इसीलिए आपको हम पहले भी बुक सजेस्ट किए थे, जो कि स्पेशल बनाया गया इसीलिए कि बिहार का जो भी एग्जाम होता है वो सारे क्वेश्चन आपके पास हों, बीपीएसएससी सीएसबीसी बीएसएससी, यानी कि ये टोटल का आपका बीपीएसएससी आयोग जो है, ये टोटल का प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है, जिस शिफ्ट में पूछा गया है, टोटल को यहाँ पे रखा गया। देखिए अब निकल गया कि हिट रिफ्रेश पुस्तक के लेखक कौन है, ये बिहार दरोगा के प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी में पूछा गया है, 12/12/2019 को पूछा गया है परीक्षा है। इसका ऑप्शन है अरविंद सुब्रमण्यम, सत्य नडेला, रस्किन बॉन्ड, रघुराम राजन। आप इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दें, क्योंकि ये पूछा गया क्वेश्चन है बिहार दरोगा का। तो टोटल क्वेश्चन इसमें जो मिलेगा ना, वो बिहार के कौन कौन से एग्जाम में, तो बीपीएसएससी जो एग्जाम करवाता है दरोगा का, सीएसबीसी जो पुलिस का टोटल एग्जाम को करवाता है, बीएसएससी जो सचिवालय वगैरह का एग्जाम होता है, वो सबका प्रीवियस ईयर आपको इसमें मिल जाएगा। और हमको नहीं लगता कि इससे अच्छा कुछ भी आपके लिए होगा। इतना क्वेश्चन अगर आप करके जाते हैं तो यही सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ भी दिया जाएगा, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसका आपको रिवीजन करना चाहिए। यानी अभी आपको कुछ भी समझ में नहीं आता तो कम से कम प्रीवियस ईयर को आपको जरूर पढ़ना चाहिए, जो कि हम सजेस्ट करते हैं इंपॉर्टेंट, जो आपके लिए जरूरी होता है, तो बिहार दरोगा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बुक का लिंक हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिया है। जितने भी लोग छात्र या छात्राएं हो, अगर मन से तैयारी करते हैं ना, तो जरूर निकल जाएगा आपके जो, आप इस बुक को पढ़िएगा, अच्छा लगेगा, नीचे कमेंट करिएगा कि हाँ बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट हम समझ पा रहे हैं, कि इसे पता भी चलता है ना क्या पूछा था, क्या पूछेगा, हम अच्छा चीज पढ़ रहे हैं, प्रीवियस ईयर पढ़ रहे हैं, इसे बेस्ट क्या होगा। तो ये समझ में आ गया, उसका लिंक एक बार डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिया है। जिसको भी जरूरत होगा जरूर जाकर वहां से ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया जीके जीएस से 70 से 75 क्वेश्चन, मैथ से 5 से 7 क्वेश्चन, करंट अफेयर से 20 से 22 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि आपको हम बताएंगे। आपको टेंशन लेना ही नहीं है, बस जुड़ करके रहना, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना, शेयर भी कुछ लोगों में कर दीजिएगा, ताकि हमें अच्छा लगे, ठीक है। हम आपको बताएंगे कि कैसे आपका पीटी निकलेगा, कैसे मेंस निकलेगा, हर एक तरीका आपको बताएंगे, जो इजी होगा आप जरूर निकाल पाएंगे, बशर्ते कि आप एक कमजोर स्टूडेंट होने चाहिए। आप बहुत तेज हैं पढ़ने में, तब दिक्कत है, लेकिन आप कुछ भी नहीं जानते हैं, आराम से तैयारी करना चाहते हैं, मन से तैयारी करना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, तो जरूर आप हमसे जुड़ कर रहिएगा, बहुत ही बेस्ट आपको हम बताने वाले हैं। उसके बाद देखेंगे, ये हो गया रिटर्न सिलेबस, इसमें पीटी और मेंस में अलग सिलेबस होगा आपका, थोड़ा सा यहाँ पे आपका हिंदी भी होगा, एक फर्स्ट शिफ्ट में, सेकंड शिफ्ट में जीएस का क्वेश्चन होगा, जहाँ पे मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन होगा, फिर जीएस का क्वेश्चन होगा, वो हम बताएंगे। अभी पीटी का हम सिलेबस आपको बता दीजिए, जो कि आपके लिए जरूरी है, वो बाद में। फिर उसके बाद आपका पीटी पीएचटी यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आप लोग का हाइट वेट टेस्ट, हाई जंप, लॉन्ग जंप, रनिंग, शॉटपुट सब लिया जाएगा, इतना जरूरी है। अब ये बिहार दरोगा का फॉर्म है, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि बिहार दरोगा का ये फॉर्म बहुत ज्यादा पॉपुलर है, इतना इंटरेस्ट इसमें लोग रखते हैं, युवा खास करके इतना इंटरेस्ट रखते हैं, ये नौकरी भी गजब का है। बिहार दरोगा का जो नौकरी है ना, वो गजब का है। आप जब देखेंगे ना खुद से रोड पर खड़ा बिहार दरोगा को, तो उसमें एक अलग चमक आपको दिखेगा, लगेगा कि काश हम भी वहां पर खड़े होते तो क्या कर रहे होते, ये जरूर आप सोचेंगे। बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में बहुत अंतर है। दरोगा बनने का ख्वाहिश, जो भी थोड़ा सा पढ़ लिख लेते हैं, अगर स्नातक का वो जॉब चाहते हैं, तो बेस्ट जॉब है बिहार दरोगा का, जो कि आपको जरूर हासिल करना चाहिए, अच्छा लगेगा जब आप नौकरी करेंगे तो अच्छा लगेगा। फील्ड वर्क का जॉब है, लेकिन जबरदस्त है, यानी कि आपको जिंदगी में ये महसूस नहीं होगा कि हम दुनिया नहीं देखे, हम लोग को नहीं समझे, हम समाज में नहीं रहे, हम पैसा नहीं कमाए, ये सब चीज आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और चाहिए भी क्या लोग को। तो ये बहुत ही अच्छा जॉब, हमें ऐसा लगता है कि बहुत ही अच्छा जॉब है। उम्मीद करते हैं जो भी आपको जानकारी हम बिहार दरोगा यानी बिहार सब इंस्पेक्टर के बारे में दिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, जो कि आपको जान करके बहुत ही खुशी हुई होगी कि हम इस जॉब को ले सकते हैं, काफी आसान है, इस एज में भी हम आते हैं, और उसके बाद हम योग्यता में भी आते हैं, और अच्छा खासा सिलेबस पर मेरा पकड़ भी है, क्यों नहीं मेरा ये जॉब होगा। अगर आप लोग इस जॉब को लेना चाहते हैं तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और शेयर भी कर दीजिएगा, और जरूर आपके हाथ में ये जॉब आएगा, क्योंकि इतना वीडियो हम लाएंगे इस पे बिहार दरोगा पे, और ऐसा ऐसा सेपरेट वीडियो लाएंगे जो कि सिर्फ बिहार दरोगा के स्टूडेंट को बहुत ही लाभ पहुंचाएगा, वो चाहे बिहार के निवासी हो या अदर स्टेट के निवासी हो।